अब ऐसे फेस हाइड कर लेने से कुछ होगा क्या? चल एक काम कर, स्टॉप सल्किंग और तू भी ब्यूटी ट्रीटमेंट कर ले। कम मुझे नहीं करनी है। We totally understand. ताहिर और तपस्या साथ साथ। यार डूड, तुझे मतलब अल्ट्रा बैड फील हो रहा होगा राइट? लेकिन एक बात है जो जिया और मैं कहना चाहते हैं। We actually agree on something. For a change. Ish. You deserved it, stupid. तुम लोग कैसे फ्रेंड्स हो? True friends. Please support करना तो दूर की बात है। तुम दोनों तो Listen, तूने ही टैप्स को सारे के साथ भेजा था, ठीक है? Yeah, seriously. और फिर आके यहाँ सल्क कर रही है। For what? तुम कब ईशा द सेंट से ईशा द नॉर्मल पर्सन बनेगी? I did the right thing. तपस्या साहिल के लिए राइट है। और ओली, तो अगर इतनी राइट है तो क्यों सल्क कर रही है? What do you want? Dude, जिया से कुछ सीख। Look at her. वो अपनी लव लाइफ हाथ में पकड़ के वॉर के लिए जा रही है विद हर मदर इन लॉ। Yes, उनका किचन मेरा इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड। Okay, जी, प्लीज बी केयरफुल, ओके? हम इससे ज्यादा ड्रामा अपनी लाइफ में हैंडल नहीं कर सकते। ड्रामा तो मैं हैंडल कर लूंगी। रोमांस भी, पर डूड, मोरल मिस्ट्री। लिसन, एज लॉन्ग एज तू केस को सॉल्व कर रही है, उसका पार्ट नहीं बन रही। यू गेट माई पॉइंट राइट? आई आई कैप्टन, दैट्स माय गर्ल। ईशा, थैंक यू सो मच। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनी टाइम। मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू कहूँ कम है। यू नो, मुझे पता था कि ज़ाहिर रोमांटिक है, पर इतना पैशनेट, आई हैड नो आइडिया। माय गॉड, ही मेक्स मी वीक इन द नीज। या ज़ाहिर इज पैशनेट। यू नो व्हाट, अगर सारे एक्सेस तुम्हारी तरह होते तो देयर वुड बी नो डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। थैंक यू मुझे पुश करने के लिए, ज़ाहिर की इंटीमेट डिटेल्स देने के लिए। कर लेंगे बेटा। प्रदीप, मुझे भी कुछ मदद करनी थी। जी बेटा, आप क्यों जिद कर रही हैं? जाकर आराम करें। खामखा रसोई खाने के काम में क्यों परेशान होना चाहती हो? करने दीजिए ना हेल्प। जी हाँ बेटा, आप और अजहर मियाँ बहुत जल्द एक साथ होने वाले हैं। आपकी जगह यहाँ नहीं, आप जाइए, हम खाना बना लेंगे। अच्छा, तो अगर मैं इस फैमिली का हिस्सा बनूंगी तो पूरे घर की हुई रही, उसका मतलब किचन की भी हुई रही। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हैं आप। वैसे तो हमें आप बेहद पसंद हैं। तो फिर मुझे हेल्प करने दीजिए। दीजिए। जैसी आपकी मर्जी, मैं तब तक पालक साफ कर लेती हूँ। इफ्रत भी? जी? आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। अब देखिए, आपने मुझे मिस्टर खान के लिए, अजहर के लिए एक्सेप्ट कर ही लिया, तो मैं सोच रही थी आप मुझे इस घर के बारे में कुछ बताइए। घर के बारे में पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? अरे, इस घर का हिस्सा बनने वाली तो इस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, तो बताइए। इफ्रत भी? जी? तुम यहाँ? तुम्हारी एक्चुअली असर अच्छा हो गया कि आप भी आ गए। मैं क्या कर रही हूँ? देखिए ना, कब से जिद लगाए बैठी है कि आज रात का खाना यही बनाएंगे। या मेरा मन किया था कि आप लोगों के लिए कुछ बनाकर खिलाऊं। वाह, क्या बात, कुछ किया, आज का खाना आप सबके लिए बनाएंगे। मरियम भी? वो तो जी, आप बेटी तो हमारे खानदान का हिस्सा बनने वाली है। ये हक तो जिया को ही मिलना चाहिए ना? क्यों अजहर, हमने सही कहा ना? बिल्कुल।
तो इट्स डिसाइडेड, आजाद का खाना आप बनाएंगे अकेले विदाउट एनी हेल्प। आप सब कुछ अकेले कर पाएंगे? Yeah. Are you sure? अजय? जी अम्मी। जी बेटा, आप कर तो लेंगी ना सब? पता नहीं। हाय, मुझे नहीं पता था कि तुम अकेली नहीं। मैं बाद में। नहीं साहिर, मैं बस जा ही रही हूँ। थैंक यू, पर चूंकि इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस, दैट्स इट, तुम्हारे लिए। गिफ्ट मेरे लिए? यस। ओह माय गॉड, थैंक यू, कैन आई ओपन इट? ऑफ कोर्स यू कैन। ईशा, वो मुझे, वो मैंने जो वीडियोस दिए थे वो तुमने देखे? नहीं। एंड मेरी, मुझे बॉस मिले थे। ओके। फिर उन्होंने मुझसे बात भी की। एंड ही सेड ही विल कॉल मी। ओके। सो हमारी बात अधूरी रह गई। सारे कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? बिकॉज़ आई रियली हैव टू गो। My God, this is damn hot. Thank you so much, Sahar. This is so sexy. Yes, बिल्कुल तुम्हारी तरह. So 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 sexy. Super super sexy. Isha, तुम देखकर बताओ ना, तुम्हें कैसी लगी ड्रेस? What do you think about my choice? मुझे तो कैसा लगा? तुम बहुत अच्छी लगोगी. या सेक्सी लगूंगी। या सर, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ नहीं, यहाँ पर नहीं, मेरे घर टुनाइट 9:30। जिया सेन। सॉरी मैम, मिस सना ऑफिस नहीं आई। हाय गुरु, जिया जी ऑफिस में नहीं है। आई नो, लेकिन तू हमारी हेल्प कर सकता है? क्या हेल्प जी? चेक दिस आउट। ओके, हमने सोचा कि हमारे कंपनी के लिए हम न्यूज़पेपर में एक प्रिंट एड निकलवाए। इज़न्ट इट ब्रिलियंट? शेखर का आइडिया। इनका आइडिया? या इट विल बी ग्रेट पब्लिसिटी हमारी कंपनी के लिए। गुड फॉर अस, गुड फॉर द कंपनी। बिल्कुल खास आइडिया। इनफैक्ट आजकल तो शेखर एक के बाद एक ब्रिलियंट आइडियाज जॉइन कर रहा है। रेवती जी, हमारे पास ना खुद की पूरी एक टीम है जो एक से बढ़कर एक आइडिया सोच लेती है, तो इसलिए हमें किसी बाहर वाले के आइडिया या शाइडिया की जरूरत नहीं है। गुरु, रो एक बार हमारी बात सुन लो। रो जी, देखिए आप रेव जी के फ्रेंड हैं, ये बात हम समझते हैं, तो इसलिए हमारी कंपनी की ना फिक्र शिकर करना आप छोड़ दीजिए। What is wrong with you? तो इतना immaturely क्यों बिहेव कर रहा है? ओके जी, अपा है immature और आप ना समझदार और मैच्योर वाले, आप अपनी मैच्योरिटी साथ में निभाइए।
कम है क्या? ओके, प्याज के साथ मुझे काम करने दीजिए। नहीं, अभी मन नहीं है। मिस्टर खान, प्लीज प्लीज यार, मिस्टर खान, नाउ इज नॉट द टाइम। सीरियसली मिस हेन, क्या हुआ? और आप ये इतने शॉर्ट टेम्पर्ड कब से हो गए? इट्स ओके, I like your short temper side too. Mr. Khan, please, seriously, मैं बिजी हूँ अभी. Please understand. Yeah, I can see that. और मुझे लगा कि आप खुश होगे कि मेरी किचन वाली फैंटेसी ऑलमोस्ट सच होने वाली है. What? Mr. Khan, आपकी मॉम मेरा कुकिंग टेस्ट ले रही है, आपकी ये फैंटेसी है? Listen, see, वो जो आप कर रहे हो ना, that's amazing. I think family के क्लोज आने का ये बेस्ट वे है. What? Mr. Khan, listen, please stop it, okay? मैं आपकी फैमिली के क्लोज नहीं आ सकती, नो व्हाई? बिकॉज़ आपकी मॉम मुझे पसंद ही नहीं करती है. ये बार-बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मिस्टर खान, यू शुड नो दिस. मिस्टर, आई फील कि कभी-कभार आप एक्स्ट्रा स्टबर्न बिहेव करते हो. अम्मी ने आपको एक चांस दिया, आई थिंक आपका भी फर्ज बनता है उनको एक मौका देने का. ओके, आई एम सॉरी, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था. इट्स ओके मिस्टर, आई फील कि हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने चाहिए और गुस्सा कम करने की कोशिश करना चाहिए, स्पेशली जब मेरी किचन वाली फैंटेसी सच होने वाली है. जी हाँ, इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर कर दिए, एंडिंग है? नो, दैट्स इट, थैंक्स. ओके, नो वरीज. अजहर, यू हैव अ इंटरव्यू लाइंड अप, सो ओके, बाय. What is wrong with you? हाँ, तुम इस negativity में इसको क्यों involve कर रही हो? I don't know, man. मैं fed up हो चुकी हूँ. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सुनो, relax, breathe. इतनी कोई बड़ी problem नहीं है. क्योंकि आज के dinner के लिए I have a plan. All right, let's do this. प्याज काट दीजिए और टमाटर को भी इतना जल्दी जल्दी कर दीजिए प्लीज. चिली, कितनी चिली डालोगे इसमें? इसमें कौन से मसाले डाले? और ज्यादा पास ना आइए, आपके बाल जाएंगे. सॉरी यार, ये कितनी देर में बनेगा? दो जी चावल होगा जी. चिकन क्यों जाना ईशा जी? आखिरी टमाटर जो है वो दाल से बस प्यारा किए, बस बस बस. मुझे मेरे ख्याल चिकन भी हो गया. स्प्रेड अम्मी, हमसे तो रुका नहीं जा रहा है, हम बैठ रहे खाने के लिए. तेरे लिए
सुनता जो सहता तेरे लिए, मैं गिरता संभालता फिर चलता तेरे लिए। इतनी पैशनेट है मैं, यही बात मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक दूसरे को थोड़ा और जान लेना चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू समथिंग। आई गेट इट, आई रिस्पेक्ट दैट। सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी। एक सेकंड मैं वापस आता हूँ, एक सेकंड पिछले लोग। मैं एक बात पूछूं, तुम ऑनेस्टली जवाब दोगे? तुमने अभी तक कमेंट नहीं किया, मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। 99% बॉयज सेक्सी कहते हैं, बट यू चोज ब्यूटीफुल। हुई है जो कबूल तेरे लिए। Food is amazing, Stan. है ना अम्मी? Surely, Mr. Khan? Yeah. फिर और खाइए। सुबह के लिए I'm sorry. It's okay, Miss Stan. आपको थोड़ा गुस्सा पसंद है मुझे। Excuse me. आप इस हद तक गिर गई हैं कि चैलेंज जीतने के लिए कुछ भी करेंगी? मैम, अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखती हैं तो प्लीज चैलेंज लूज करने की भी हिम्मत रखिए। आई हेट यू एंड आई हेट योर गट्स। वाओ, यू हेट माय गट्स। मैम, आपने कभी खुद को एनालाइज किया है? आपकी तो पूरी पर्सनैलिटी फेक है, वो हेट करने लायक है। आप अपने लव्ड वंस को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, उन्हें मैनिपुलेट करती है, वो हेट करने लायक है। आपने जिस तरह अपने हस्बैंड के साथ गेम्स खेले ना मैम, वो हेट करने लायक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हस्बैंड के बारे में एक भी लफ्ज कहने की? मैंने अभी तक तो कुछ कहा भी नहीं है मैम। जिस दिन आपके लिखे हुए लेटर्स का सच सामने आ जाएगा ना, तब डेफिनेटली कुछ बोलूंगी। कैसा सच? यू नो वेरी वेल कैसा सच। मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ, तो आपके बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ कि आप मिस्टर खान और मेरे बीच गेम्स खेलना बंद कर दीजिए।